हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितीश स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैसे हमने स्टोर्ड प्रोसीजर को यूज़ करना है सीक्वल सर्वर के अंदर। तो उसको जो स्टोर्ड प्रोसीजर सीक्वल सर्वर के अंदर है उसको हमने ASP.NET के अंदर कैसे यूज़ करके उसको कॉल करना है, उसमें डेटा को इंसर्ट करना है, और कैसे स्टोर्ड प्रोसीजर जो सीक्वल सर्वर में अवेलेबल है उसको क्रिएट करना है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो स्टूडेंट का डेटा है वो हमने एंटर करना है डेटाबेस के अंदर। बट इस बार हमने जो यूज़ करना है वो क्वेरीज नहीं यूज़ करनी, हमने स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करनी है। तो पहले जितने भी प्रोजेक्ट मैंने डेटाबेस के रिलेटेड आपको बनाकर दिखाए थे उन सब में हमने डेटाबेस के अंदर जो है क्वेरी पास की थी थ्रू ASP.NET। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टोर्ड प्रोसीजर जो हमने पहले ही क्रिएट किया होगा डेटाबेस के अंदर उसको कॉल करेंगे, और उसी की हेल्प से हम जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर जो है इंसर्ट करेंगे। तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट का हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट की वर्किंग क्या है, इंसर्ट स्टूडेंट डेटा इंटू डेटाबेस यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर इन SQL सर्वर। तो आइए एक कोई डेटा एंटर करके देख लेते हैं। तो ये मैंने डेटा जो है एंटर कर दिया है, तो इसको सेव करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे जो कोडिंग है उसमें मैं स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करूँगा, और आगे स्टोर्ड प्रोसीजर जो डेटा मैंने पास किया है उसको उसको डेटाबेस के अंदर सेव कर देगा। तो ये देखिए जो मेरे पास मैसेज जो है डिस्प्ले हो चुका है कि डेटा हैज़ बीन सेव्ड। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, अब इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करके देखते हैं कि हमने ये वाला जो प्रोजेक्ट है कैसे क्रिएट करना है, कैसे हमने जो है स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले हम एक नया वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं वेब फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा, और इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं आप वेब फॉर्म का, तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा ब्लैंक वेब फॉर्म है वो आ चुका है। तो आइए चलते हैं इसकी जो है डिज़ाइनिंग करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं लेबल को इंसर्ट करूँगा यहाँ पे। तो लेबल की एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसको चेंज कर लेते हैं। तो लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर लिखते हैं हरिद्री स्टडी हब। ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कोई भी अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट वैल्यू को लिख सकते हैं। इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, वो मैं येलो कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का हेडिंग लिखता हूँ इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर इन SQL सर्वर। तो यहाँ पे एक टेबल को इंसर्ट करते हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो देखने में अच्छा लगे। तो 5 रोज़ एंड 2 कॉलम्स को ऐड कर देते हैं अपने वेब फॉर्म के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा रोल नंबर, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं इधर। इसका जो है हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम
यहाँ पे मैं लिखता हूँ फादर नेम, यहाँ पे लिखते हैं सिटी, राइट साइड की ओर लिखते हैं, टूल बॉक्स में से हम इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद में स्टूडेंट नेम के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। तो आइए फादर नेम के लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं, और अब हमारा जो लास्ट है वो है सिटी, इसके लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर देते हैं। डबल क्लिक करने से कोई भी कंट्रोल जो है वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस का। तो यहाँ पे हमारा जो है बटन इंसर्ट करते हैं, तो बटन के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये बटन भी मेरा इंसर्ट हो चुका है वेब फॉर्म के ऊपर। तो इसको नाम जो है मैं सेव रख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेव। तो उसके बाद में मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए मैं बटन के नीचे एक लेबल ले लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेबल, और लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको मैं पहले ब्लैंक कर दूँगा, इसको ब्लैंक कर देते हैं। तो जो बटन का बैकग्राउंड कलर है उसको भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अट्रैक्टिव लगे। ओके, तो आइए चलते हैं, ये बॉर्डर कलर हो गया इसका बैकग्राउंड कलर। तो आइए अपने जो टेबल है उसको सिलेक्ट करते हैं, सारे टेबल को, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, इसका भी बीजी कलर जो है येलो कर देते हैं। तो जो मेरा डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, तो बॉर्डर में जो वैल्यू है 1 कर देते हैं, इससे लाइनिंग आ जाएगी। तो ये देखिए जो डिज़ाइनिंग है कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए चलते हैं, अब हम अपने डेटाबेस के अंदर जो है स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करके देखते हैं। तो स्टोर्ड प्रोसीजर बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, या कह सकते हो ग्रुप ऑफ क्वेरीज हैं, जो किसी नाम के साथ हमने डेटाबेस के अंदर सेव की कर रखी हैं पहले से ही। तो जैसे ही हम स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करेंगे उसके नेम के साथ, तो वो सारी क्वेरीज या सारी स्टेटमेंट्स या वो लॉजिक यूनिट होगा जो हमने स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर क्रिएट किया हुआ है, तो वो सारे का सारा एडवांस चल जाएगा। वो एक क्वेरी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा क्वेरीज भी हो सकती हैं। तो आइए चलते हैं, ये मेरे पास सीक्वल सर्वर 2005 है, तो मेरे सर्वर का नाम है विकास पीसी, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो जिस डेटाबेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ, सबसे पहले उसका नाम आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास डेटाबेस जो है ऑलरेडी बना हुआ है, जिसका नाम है स्टूडेंट डेटा। तो उसके अंदर जिस टेबल के साथ मैंने वर्क करना है उसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो इसका एक बार आपको डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसा डिज़ाइन जो मैंने बना कर रखा हुआ है इस टेबल का। तो फ्रेंड ये देखिए मेरे पास ये इस टेबल का डिज़ाइन जो है, आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी के ऊपर ये वाला डिज़ाइन जो है नोट डाउन कर सकते हैं। 4 कॉलम मैंने यूज़ किए हैं और आप इसको कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अपना जो है स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे क्रिएट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्लिक करना है न्यू क्वेरी के ऊपर, इसको बाद दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट हो चुका है हमारा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कमांड लिखनी है यूज़, उसके बाद में डेटाबेस का नाम जिसमें हमने स्टोर प्रोसीजर को अप्लाई करना है। तो ये मेरे डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट डेटा, तो सारे को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट। तो ये देखिए जो मेरी कमांड है चल चुकी है, हमारा जो डेटाबेस है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो आइए अपने जो स्टोर प्रोसीजर की है कोडिंग करते हैं। तो मेरे पास कोडिंग जो है ऑलरेडी मैंने की हुई है। तो ये मेरे स्टोर्ड प्रोसीजर की कोडिंग है। सबसे पहले हमें लिखना है क्रिएट प्रोसीजर, उसके बाद में अपने स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम, नेम मैंने यहाँ पे दिया है स्टूडेंट डेटा इंसर्ट।
और उसके बाद में जो पैरामीटर मैं पास करना चाहता हूँ, तो चार पैरामीटर मैंने पास करने हैं इस स्टोर प्रोसीजर को। पैरामीटर का मतलब कि इसको चार वैल्यूज़ मैंने पास करनी है, तो ऐसे जो वैल्यूज़ मैं पास करना चाहता हूँ वो उसको एज ए वेरिएबल ऐसे आपने डिक्लेयर करना है। उसके बाद में बिगिन के बाद मैंने वो वाली स्टेटमेंट लिखी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो, कौन कौन से कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करना है उस कॉलम का नेम लिखा है, और बाद में वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी वो मैंने ये वेरिएबल के नेम लिख दिए हैं, चारों के नेम लिख दिए हैं। जो वेरिएबल की वैल्यू मैं जब ASP.NET से इस स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करूँगा तब इसको पास करूँगा। तो इस सारे जो कोडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि हमारा जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो क्रिएट हो जाए डेटाबेस के अंदर। तो ये देखिए जो मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर है वो क्रिएट हो चुका है। तो आप भी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके फुल स्क्रीन करके इस वीडियो को कॉपी के ऊपर ये वाली कोडिंग जो है नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं आप तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक PDF की फाइल भी यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में ये वाली कोडिंग भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारा जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो क्रिएट हो चुका है डेटाबेस के अंदर। तो नेक्स्ट जो है हमारा काम है वो है सेव के ऊपर कोडिंग कैसे करनी है। तो आइए चलते हैं सेव के ऊपर कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो जो दो नेम स्पेसिस सबसे ज़रूरी है डेटाबेस के रिगार्डिंग काम करने के लिए वो है सिस्टम डेटा और बाद में यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। तो इसको ज़रूर सबसे पहले इसको ऐड कर लेना अपने कोडिंग के अंदर। और ये फ्रेंड चलते हैं अब बटन के ऊपर कोडिंग कर लेते हैं, जो हमारा सेव बटन है उसके ऊपर कैसे कोडिंग करनी है, कौन सी कोडिंग करनी है प्रोसीजर को कॉल करने के लिए स्टोर्ड प्रोसीजर को, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो कोडिंग मेरे पास ऑलरेडी मैंने कर रखी है तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने जो है कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट किया है। तो ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे क्रिएट किया है, पहले डेटाबेस का नाम, फिर मैंने यहाँ पे अपने जो सबसे पहले SQL सर्वर का नेम लिखा है, और उसके बाद में यहाँ पे इनिशियल कैटलॉग में मैंने जो डेटाबेस है उसका नाम लिखा है, और जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का मतलब है कि मैंने जो विंडोज ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपने सर्वर को असेस करना है उसके लिए मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में मैंने एक SQL कनेक्शन क्रिएट किया है, उसके बाद में यहाँ मैंने लिखा है पी नेम। पी नेम मेरे प्रोसीजर का नेम है जो स्टोर्ड प्रोसीजर मैंने डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया था अभी। तो ऐसे ही मैंने SQL कमांड के थ्रू उस जो स्टोर्ड प्रोसीजर है उसको कॉल करना है। तो उसकी कमांड टाइप जो है मैंने बता दिया है कि वो क्वेरी नहीं है, वो एक स्टोर्ड प्रोसीजर है। तो ऐसे इस स्टेटमेंट से मैंने हर एक वेरिएबल को जो वैल्यू पास की है वो की है टेक्स्ट बॉक्स 1 से 2 से 3 से 4 से। तो ऐसे वेरिएबल की वैल्यू जो सेट करने के लिए मैंने पास की है उसके लिए मैंने ये वाली स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं। उसके बाद में मैंने एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी को कॉल किया है ताकि वो स्टोर्ड प्रोसीजर जो है सर्वर के अंदर जो है एग्जीक्यूट हो जाए। तो बाद में मैंने लेबल के ऊपर जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है कि डेटा हैज़ बिन सेव्ड इन डेटाबेस। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। वीडियो को यहाँ पे आप पॉज करके और इसको अच्छे तरीके से इसको जो है इस कोडिंग को नोट डाउन कर लें। तो ये वाली कोडिंग जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। बड़ी ईजी कोडिंग है, बड़े ईजी वे के साथ आपको समझ लग जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बाय मेल भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको उसका जो है सलूशन वापस भेज दूंगा। तो चलिए जो मेरी कोडिंग है वो हो चुकी है, तो अपना प्रोजेक्ट जो है रन करके देख लेते हैं एक बार फिर से मैं कोडिंग देख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है कोडिंग। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोजेक्ट जो है मैं रन करके देख लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड स्टूडेंट, जो मेरा प्रोजेक्ट है रन हो चुका है। तो आइए कोई डेटा इसके अंदर एंटर करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं रोल नंबर लिखता हूँ, उसके बाद में मैं स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, उसके बाद में फादर का नेम लिखता हूँ,
फादर का नेम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं सिटी का नेम लिख लेता हूँ दिल्ली। और आइए चलते हैं सेव के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि हमारी जो कोडिंग है वो एग्जीक्यूट हो स्टोर प्रोसीजर वाली। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास एक एरर आ चुकी है कि स्टूडेंट डिटेल इंसर्ट जो है स्टोर प्रोसीजर कुड नॉट बी फाउंड। तो लगता है हमारे नेम के ऊपर कोई ना कोई मिस्टेक हो चुकी है। तो आइए एक बार फिर से मैं नेम चेक कर लेता हूँ जिस नेम से मैंने जो है स्टोर प्रोसीजर जो है क्रिएट किया था। तो फ्रेंड्स जो मैंने प्रोसीजर का नेम है थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा इंसर्ट। तो आप भी अपने कोडिंग के अंदर इसको ठीक कर लीजिएगा। और आइए चलते हैं एक बार फिर से प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। तो मैंने एक बार फिर से प्रोजेक्ट को रन कर दिया है। तो चलिए एक बार फिर से डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नीरज और यहाँ पे मैं लिखूँगा निशान, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिल्ली। तो आइए चलते हैं इसको सेव कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ये देखिए जो डेटा है मेरा वो हैज़ बिन सेव्ड, मीन्स के डेटा जो है डेटाबेस के अंदर सेव हो चुका है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप स्टोर्ड प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर फॉर इंसर्टिंग डेटा इनटू डेटाबेस। तो आपने आज सीखा कि कितने इजी वे के साथ आप स्टोर्ड प्रोसीजर की कोडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं यूट्यूब के ऊपर जो मेरा चैनल है रीति स्टडी, अब उसके ऊपर मैं ऐसे ही ASP.NET और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्ट है या आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा जो ये यूट्यूब के ऊपर चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही हमारे जो वीडियोस हैं वो आप लाइक शेयर और उसके ऊपर कमेंट करते रहें ताकि हमारे पास भी आपकी फीडबैक पहुंचती रहे। और ऐसे ही हम बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट और ट्यूटोरियल्स वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।